नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका योग 420 है, इनमें बड़ी संख्या क्या है? दो संख्या का अनुपात 3:4 है तथा इनका योग 420 है, इनमें बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए कैसे करेंगे। अनुपात दिया है 3:4 तथा इनका योग 420। तो अनुपात, एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 4 है, तो 3 × 4 = 7, योग दिया है 420, तो इसका रेशियो का जोड़ क्या होगा? 3 × 4 = 7, 3:4 है तो 3 और 4 जोड़कर 7 = 420 पूछ रहा है, इनमें बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या 3 और 4 में बड़ी संख्या क्या है? तो 4 है बड़ी संख्या, 4 = x। देखिए कह रहा था क्वेश्चन में, दो संख्या का अनुपात 3:4 है, इनका योग, तो रेशियो में इनका योग 3 और 4 जोड़ेंगे, 3 × 4 = 7 हो जाएगा, 7 = 420। बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या 4 = x, 7 से कटा देंगे, 7 × 6 = 42, 60 × 4 = 240, तो बड़ी संख्या आ गया 240। तो ये जो नियम है, सिर्फ जोड़ और घटाव जब दिया होगा इन संख्या का योग या अंतर, तभी ये लगाएंगे, समझिए, ये तब लगाएंगे जब इन संख्या का योग और अंतर दिया होगा तभी ये लगाएंगे। उसके बाद इसके अलावा कुछ भी होगा सभी जगह ये जो नियम अप्लाई करेंगे सिर्फ जोड़ और घटाव के केस में ही, उसके बाद सभी जगह, सभी जगह का मतलब हो गया जोड़ घटाव में भी, अगुना, भाग, वर्ग, घन, हर केस में। बेसिक से दो संख्या का अनुपात 3:4 है तो 3 को 3x लिख देंगे, 4 को 4x लिख देंगे, 3x और 4x जोड़ लेंगे, इनका जोड़ दिया हुआ है 3x + 4x = 420, 3 × 7x = 420, 7 से कटा दीजिए, 7 × 6 = 42, x = 60। बड़ी संख्या पूछे ये हो गया 4x, बड़ी संख्या है 4x, 4 × 60 = 240, 240 बड़ी संख्या आ गया 240। तो ये जो लगाएंगे ये सब जगह लगा सकते, अगर इन संख्या गुणनफल रहता तो भी ये लगाते, वर्ग का योग रहता तो भी लगाते, घन रहता तो भी लगाते, मगर ये जो लगाएंगे सिर्फ जोड़ और घटाव के केस में, ये ध्यान दीजिएगा, आज क्वेश्चन में होगा ऐसा जो कहेगा इन संख्या गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो गुणनफल के केस में ये नहीं लगाएंगे, इन संख्या के वर्गों का योग दिया हुआ है तब ये नहीं लगाएंगे, ये तभी लगाएंगे जब जोड़ और घटाव का सेंस रहेगा, और ये हर जगह लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, इन संख्याओं का योग 180 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कह रहे तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, इन संख्याओं का योग 180 है, तो सबसे छोटी संख्या, तो योग दिया हुआ है, तो 2, 3, 5, 4, 9 योग दिया हुआ है, तो 2 रेशियो जोड़ रहे, 2, 3, 5, 4, 9, 9 = 180, समझिए। कह रहे तीन संख्या का अनुपात 2:3:4 है, इन संख्याओं का योग 180 है, तीन संख्या का अनुपात है 2:3:4, इनका योग 180 है, तो रेशियो जोड़ेंगे 2, 3, 5, 4, 9, 9 = 180, सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 2 है सबसे छोटी संख्या, तो 2 = x, 2 = x, सबसे छोटी संख्या पूछा है 2 = x, 9 × 2 = 18, 20, 20 × 2 = 40, तो सबसे छोटी संख्या आ गया 40। या एक्स मान करके भी ये, जब ये तभी लगाएंगे जब जोड़ और या घटाव दिया होगा, इन संख्या का अंतर दिया होगा या योगफल दिया होगा,
तभी। इसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो इस तरह से करेंगे, 2, 3, 4 है, 2x, 3x, 4x, इनका जोड़ दिया हुआ है 2x + 3x + 4x। समझिएगा, बार बार बता रहे हैं, अगर ये तब लगाएंगे जब जोड़ और घटाव दिया होगा, ये तब लगाएंगे जब प्लस या माइनस दिया होगा, और ये सभी जगह लगाएंगे, लगा सकते हैं, तो जोड़ और घटाव के अलावा लगाएंगे, तो जोड़ और घटाव यही सही रहेगा, इसके अलावा लगाएंगे। 2x, 3x, 4x लिख दिए, रेशियो घटा करके xx लगा दिए, अब इनको जोड़ रहे हैं, 2x + 3x + 4x, इनका जोड़ दिया हुआ बराबर 180। अब जोड़ दीजिए, 2, 3, 5, 4, 9x बराबर 180, 9 से कटा देंगे 20, x बराबर आ गया 20, x बराबर आ गया 20। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, अगर 20 आंसर नहीं हुआ, 20 जो है ना x का मान है, 20 छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या हो जाएगा 2x, तो 2 × 20 = 40 आंसर हुआ। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग 725 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग 725 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो पूछ रहा है इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो इसको देखिए, वर्गों का योग दिया हुआ है, नॉर्मल जोड़ घटाव नहीं दिया हुआ है, वर्गों का योग दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, 2:3:4 है x से, 2 × 2x, 3 × 3x, 4 × 4x लिख दिया रेशो हटाने के लिए। इनके वर्गों का योग 2x के वर्ग स्क्वायर, 3x के स्क्वायर, इनके वर्ग को जोड़ रहे हैं, 4x का स्क्वायर, वर्ग का जोड़ जो है, वर्गों का योग 725 है, इसमें डायरेक्ट ये नहीं कर देंगे, बता रहे हैं जो यही करना है, अगर नॉर्मली जोड़ घटाव नहीं होगा तो x लगा के ही सॉल्व करेंगे। 2 × 4 = x² तो ये हो जाएगा 4x² + 9x² + 16x² = 725। अब जोड़ देंगे तो 16 × 4 = 29 x² = 725, 29 से कट जाएगा 25 बार में, x² = 25 तो x = 5, x² = 25 तो x = 5, तो पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये है 4x निकालना है, सबसे बड़ी संख्या है 4x, तो 4 × x का मान है 5 आया है, सबसे बड़ी संख्या आ गया 20। तो इसको इस तरह से करेंगे, जब जोड़ और घटाव नहीं देगा तो हमेशा x लगा करेंगे, ये नहीं कर देंगे इसमें, जो क्वेश्चन देखे इस तरह जोड़ दिया हुआ, वर्गों का योग दिया हुआ है या गुना दिया हुआ है, तो इसका 2 × 4 = 4, 3 × 2 = 9, 4 × 2 = 16, 16 × 4 = 29, 29 = कर दिए 725, और 4 = x, बड़ी पूछ रहे तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो आंसर 100 आ जाएगा, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं करना है, जब भी जोड़ और घटाव रहेगा तभी उस तरह से जाएंगे करने, नहीं तो बाकी सब जगह x से करेंगे इस तरह से, जोर और घटाव रहेगा तो x नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट करते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में
विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा? 76 को 7 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा? तो देखिए 76 को बांटना है किस रेशियो में, तो 7 5 3 4 इस रेशियो में बांटने पर छोटा भाग, तो 7 5 12 3 15 4 19। तो रेशियो का जोड़ कितना आ रहा है? 19। 19 बराबर है 76, छोटा भाग पूछ रहा है तो छोटा भाग है 3 बराबर x। कह रहा है 76 को इस तरह से बांटना है, किस तरह से बांटना है, तो 7 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में करने पर सबसे छोटा भाग। तो बांटे अगर इसका जोड़ देखते हैं तो 7 5 12 3 15 4 19, 19 बराबर है 76, छोटा भाग पूछ रहा है 3 बराबर x, या कोई पूछता जो भी भाग पूछता लिख देते 19 चौका 76 4 3 12, तो छोटा भाग आ गया 12। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे क्वेश्चन दो संख्या का अनुपात 4 रेशियो 5 है, इन संख्या गुणनफल 180 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इन संख्या गुणनफल दिया 180, तो ऐसे नहीं करेंगे, जो 4 5 20 गुणा कर दिए 20 बराबर 180, और बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या है 5 5 बराबर x, 20 नमा x बराबर 9 5 45, तो ये नहीं करेंगे, ये पार्ट नहीं करेंगे, ये समझना है, क्योंकि बार बार ये गलती हो जाएगा जब भी कर स्पीड में करने की कोशिश कीजिए। ये ध्यान रखिएगा जो ये जो लगाते हैं सिर्फ जोड़ और घटाओं में, उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो ऐसे करेंगे। 4 रेशियो 5 है तो 4 को लिखेंगे 4x, 5 को लिखेंगे 5x, 4 को लिखेंगे 4x और 5 को लिखेंगे 5x। कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल 180 है, तो 4x गुना 5x बराबर 180। ये नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट कभी गुणा नहीं कर दीजिएगा, 4 5 6 20 बराबर इतना, 5 बराबर इतना, क्या होगा, इस तरह नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये करना है। ये सिर्फ तभी लगाएंगे जब जोड़ और घटाव दिया होगा, जोड़ दिया होगा या घटाव दिया होगा। तब कटाते हैं, 4 से 4 चौका 16, बचा यहाँ 2 2 पर 0 20, 4 5 6 20, 5 9 45, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर आ गया 3, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर 3। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मतलब 5x, 5 गुना 3 15, बड़ी संख्या आ गया 15। अगला क्वेश्चन, ₹4200 की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 के अनुपात में बांटा गया, तो मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? तो ₹4200 का अमर और मदन के बीच में 9:5, तो 9 5 14 14 बराबर 4200, 14 बराबर 4200, 9 5 14 14 बराबर 4200। पूछ रहा है मदन को कुल कितनी राशि, तो मदन है दूसरा वाला व्यक्ति तो 5, अमर को पूछता तो 9 14 3 42, 300 300 गुना 5, तो 1500। मदन को कितना मिला, तो 1500। अमर को पूछता तो यहाँ लिख देते 9, मदन को पूछ रहा था तो 5। क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, इन संख्याओं का गुणनफल 192 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? कह रहे तीन संख्या का अनुपात 2:3:4 है, इन संख्या गुणनफल 192 है, तो सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए इसमें गुणनफल दिया 192, तो करना कैसे है, जोड़ और घटाव में सिर्फ डाइट कर सकते हैं, इसमें ऐसे नहीं करेंगे,
इनका गुणनफल दिया हुआ है 2 अतिया 6, 6 चौका 24 बराबर 192, और पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या तो 4 बराबर x, 4 6 24, 6 3 18, 6 2 12, x बराबर 32। ये नहीं करना है, ये नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं करना है, क्योंकि ये तभी लगाएंगे जब जोड़ और घटाव के केस होगा तभी। इसको अच्छे से समझिएगा, जब भी गुणा भाग वर्ग घन कुछ भी होगा तो x मान करके, तीन संख्या का अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4 है, तो 2 को लिखेंगे 2x, 3 को लिखेंगे 3x, 4 को लिखेंगे 4x, कह रहा इन संख्या का गुणनफल 192 है, तो 2x गुना 3x गुना 4x बराबर 192। 2 से कटाएंगे, 2 9 18, 2 6 12, फिर 3 से 3 3 9, 3 2 6, 4 8 32, एक्स 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 गुना करेंगे, 3x है तो एक्स क्यूब बराबर आठ, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, एक्स बराबर आ गया 2। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या होगा है 4x, तो 4 गुना 2 8, सबसे बड़ी संख्या आ गया 8। तो ये ध्यान दीजिएगा क्या नहीं करना है और क्या करना है, जब भी जोड़ और घटाव होगा तभी ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, गुना भाग वर्ग घन रहेगा तो ये करेंगे, ये मेथड सब जगह काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रमेश और चंद्रा ने वार्षिक परीक्षा में अंक 4:7 के अनुपात में अर्जित किए, यदि उसके द्वारा कुल अंक 1430 है तो रमेश ने कुल कितने अंक अर्जित किए। यहाँ जोड़ दिया हो अंक का जोड़, दोनों अंक का जोड़, तो 4 7 11 कह रहा है रमेश और चंद्रा ने वार्षिक परीक्षा में अंक 4:7 के अनुपात में अर्जित किए, यदि उसके द्वारा अर्जित कुल अंक 1430 है तो रमेश ने कुल कितने अंक अर्जित किए। तो देखिए 4 और 7 11, 11 बराबर 1430, कह रहे रमेश कितना अंक अर्जित किया, रमेश है पहला 4, रमेश का रेशियो मान है 4 और चंद्रा का पूछता तो 7, 11 से कटा देंगे, 11 एकम 11, बचा 3, 3 पर 3 33, 11 3 33, 0, 130 गुना कर देंगे, 13 चौका 5, 520, तो रमेश ने कितना अंक अर्जित किया, तो 520। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कूटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य का अनुपात 8:7 है, यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविजन के मूल्य से 4,000 रुपया अधिक हो तो टेलीविजन का मूल्य कितना है। कह रहा है एक स्कूटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य का अनुपात 8:7 है, स्कूटर का मूल्य टेलीविजन के मूल्य से 4,000 रुपया अधिक है, यहाँ जोर नहीं दिया हुआ, कह रहा है स्कूटर का जो मूल्य है रेशियो में क्या है 8, वो टेलीविजन के मूल्य इसका रेशियो में है 7, इससे 4,000 रुपया अधिक है, इससे 4,000 रुपया अधिक है, ये रेशियो में कितना अधिक है 1 1 बराबर 4,000, 1 बराबर 4,000, कह रहा है एक स्कूटर था टेलीविजन के मूल्य का अनुपात 8:7 है, यदि स्कूटर का मूल्य का मतलब 8, टेलीविजन के मूल्य मतलब 7 से 4,000 अधिक है, तो रेशियो में कितना अधिक है 1 1 बराबर 4,000, कह रहे टेलीविजन का मूल्य कितना है, टेलीविजन का मूल्य निकालना है तो 7 वाले पूछ रहा है 7 बराबर x, अब गुना कर देंगे 7 चौका 28,000, टेलीविजन का मूल्य पूछा है तो 28,000, स्कूटर का पूछता तो लिखते 8 बराबर x,
या एक्स से कर सकते, एक्स हर जगह काम करेगा, मगर ये जो लगाएंगे ये सिर्फ जोड़ और घटाओ सेंस में। 8x, 8:7 है तो 8x और 7x कह रहा है स्कूटर का मूल्य। स्कूटर का मूल्य है क्या तो 8x। टेलीविजन के मूल्य से 4000 अधिक, टेलीविजन का मूल्य है 7x, 7x से 4000 ज़्यादा। इधर घटा देंगे 8x माइनस 7x बराबर 4000, एक्स बराबर 4000। पूछ रहा है टेलीविजन का मूल्य 7x, 7 × 4000 बराबर 28000। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर कोशिश ऐसे ही करेंगे, इसी तरह बनाएंगे जब जोर और घटाव दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ₹624 को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है, इसमें से सी का भाग कितना है। ₹624 को 1/2, 1/3, 1/4 का अनुपात वितरित किया गया है, इसमें सी का भाग। तो देखिए 1/2, 1/3, 1/4 बटे में है तो रेशियो को ऊपर कर लेंगे। तो रेशियो को ऊपर करने के लिए जब रेशियो बटे में रहता है तो इसके एलसीएम टर्म से दो रहता, दो डिजिट रहता 1/2, रेशियो 1/3 रहता अगर बटे में रहता, डायरेक्ट कोना कोनी कर देते गुना। मगर जब दो से ज़्यादा है, तीन है, चार है, जब भी रहेगा रेशियो बटे में, तो ऊपर लाने के लिए इसके एलसीएम टर्म से गुना करेंगे, इसके एलसीएम टर्म से। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 से गुना कर देंगे 1/2 × 12, या मन में ही कर लेते 1/3 × 12, 1/4 × 12, 2 × 6 = 3, 4 × 4 = 8। तो रेशियो आ गया, ऊपर चला गया रेशियो 6:4:3, ए बी सी का रेशियो आ गया 6:4:3। तो 6 × 4 = 10 = 13, 13 = 624, 13 = 624। पूछ रहा है इसमें सी का भाग, इसमें सी का रेशियो क्या है 3, 3 = x, 13 = 624, 3 = x। 13 से कटाते 13 × 8 = 52, बचा 10, फिर 13 × 8, अब ये हो जाएगा 48, 8 × 24 के 4, 4 × 12 = 2, 14, 144, सी का भाग आ गया 144, सी का भाग 144 रुपया आ गया। जब पहले रेशियो था बटे में था, रेशियो को ऊपर करने के लिए एलसीएम टर्म से गुना किए, ये गुना मन में भी कर सकते थे डायरेक्ट, जो 12 × 12, 12/2 करेंगे 6 आ जाएगा, 12/3 करेंगे 4, और 12/4 करेंगे 3, इनका जोड़ दिया हुआ था 624, तो 6 × 4 = 10 = 13 = 624। और जिसका पूछता इसी का पूछ रहा है 3 = x, अगर ए का पूछता 6 = x, इस तरह जैसे पूछेगा उसका लिख कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ धन एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना तथा सी के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है, एबीसी के भागों का अनुपात क्या है। कह रहा है कुछ धन जो है एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का जो हिस्सा है, ए का जो भाग है उसमें अगर 5 से गुना कर दें, और बी के हिस्सा में 3 से गुना कर दें, सी के हिस्सा में 2 से गुना कर दें, तो तीनों बराबर हो जाता है। कह रहा है अगर ए के भाग का 5 गुना, मतलब ए का जो हिस्सा है उसमें 5 से गुना कर दो, और बी के हिस्सा में 3 से गुना कर दो, और सी का जो हिस्सा है उसमें 2 से गुना कर देने पर ये बराबर हो जाता है। तो ये बराबर कर दिए, कह रहे ए बी सी का अनुपात। अब यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है, तो ताक झांक थ्योरम इससे पहले हुआ है, बताए हैं। अगर ए का रेशियो लिखना है तो ए को ढक देंगे,
तो ये को ढक देंगे तो तीन दूना छ, फिर बी का लिखना है बी को ढक दिए दो पंचे दस, सी का लिखना है सी को ढक दिए तो तीन पचे पंद्रह, तो ए बी सी के भाग का अनुपात आ गया, ए बी सी का रेशियो आ गया 6:10:15। समझिए कह रहा है कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि एक के भाग का दो पाँच गुना, तो ए के भाग में पाँच से गुना कर दिए, बी के भाग का तीन गुना तीन से गुना कर दिए, सी के भाग का दो गुना दो से गुना कर दिए, बराबर है तो बराबर करके लिख दिए। अब ए इनका अनुपात को जाता है ए रेशियो बी रेशियो सी, ताक जाप थ्योरम बताए हैं, नहीं तो और इसको एक लाइन अगर करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, फाइव ए बराबर थ्री बी बराबर टू सी गुना करने के बाद। अब इसको ढकेंगे, ये नहीं तो करना जरूरी नहीं है, यहीं से ऊपर से कर देंगे, ए का लिखना देखो ढक दिए आइया, यहाँ से ए को छोड़ देंगे तीन दूना छः, बी को छोड़ दिए पाँच दूना दस, सी को छोड़ दिए तीन पचे पंद्रह, तो ए बी सी का अनुपात आ गया 6:10:15। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 427 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का तीन गुना, बी के भाग का चौगुना तथा सी के भाग का सात गुना परस्पर बराबर है, सी का भाग कितना है। कह रहा है 427 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का तिगुना, बी के भाग का चौगुना तथा सी के भाग का सात गुना परस्पर बराबर है, सी का भाग कितना है। तो देखिए 427 को ए बी सी में इस पर बांटा गया है कि ए के भाग का तिगुना, ए के भाग में तीन से गुना करना है, फिर बी के भाग का चौगुना, सी के भाग का सात गुना, सी के भाग का सात गुना। 427 रुपये के ए बी सी में इस पर बांटा गया है कि ए के भाग का तिगुना, बी के भाग का चौगुना, सी के भाग का सात गुना परस्पर बराबर कर दिए। अब यहाँ से आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो, ए का रेशियो निकालना था, ए को ढक दीजिए 4 7 28, फिर बी का रेशियो निकालना था, बी को छोड़ दीजिए 7 3 21, सी का निकालना है तो सी को ढक छोड़ देंगे 4 3 12, ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया 28:21:12। अब जोड़ दीजिए 28 21 59 28 21 49 49 12 61 61 बराबर 427, 61 बराबर 427। पूछ रहा है इसमें सी का भाग कितना है, तो सी का भाग है रेशियो में 12 12 बराबर x, कटा देंगे 7 बार में कट जाएगा पूरा पूरा 61 से, एक्स बराबर बरसते 84। तो पूछ रहा था सी का भाग आ गया 84। तो आज यहीं तरह दीजिए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जो आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा आप लोग को।